مكة أبصر النور طفل لم يمر ببال أمه ساعة ولادته أنه سيكون أحمد أعظم الرجال في العالم بل في التاريخ وأعظمهم إطلاقا صلى الله عليه وسلم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज यार फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, हमारी पूरी फैमिली को इस दिन का बहुत इंतजार था। तो आपको बता देता हूँ यार हम इतना ज्यादा एक्साइटेड और खुश क्यों हैं, क्योंकि यार आज हम जा रहे हैं फाइनली उमरा करने के लिए सऊदी अरब। तो बहुत ज्यादा खुश हैं सारे भाई बहन सब, हम जा रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली जा रही है, जिसकी हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। पूरी फैमिली के साथ ये ट्रिप हम कर रहे हैं। तो अभी तुरा वगैरह और सारे भाई हमारे सब रेडी हो रहे हैं, मैं तो रेडी हो चुका हूँ। इधर से जाएंगे सीधा एयरपोर्ट और वहां पर एहराम वगैरह हम बांधेंगे। बाकी सारी चीजें आपको बताऊंगा वहां जाकर, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट उम्र है हमारा। तो देखते जाएंगे, जो जो चीजें होती जाएंगी आपको भी दिखाते जाएंगे। अभी बाकी सब रेडी हो रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। अभी रात के यार 8 बज रहे हैं, हमारी रात की फ्लाइट थी तो इस वजह से हमें रात को ही जाना है। रात के 1 बजे हमारी फ्लाइट है। तो बाकी सब रेडी वहाँ पे? आप रेडी नहीं हुए? मैं भी रेडी यार, बारिश आ गई थी, सारी गाड़ी दोबारा ठीक है ठीक है। बाकी सामान दूसरी गाड़ी में रख दिया। ओके गुड, चलें जी। हाँ बैठो, तुम इधर बैठ रहे हो? हाँ, तुमने हेवल पे नहीं जाना था? पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आई क्या तुमने किया। हेवल पे जाना है, भैया को ना चलाने दो यार, बंदे ज्यादा उधर, वो ड्राइव ना करें तो बेहतर है, तुम कर लो। अच्छा मैं फैमिली के साथ जाऊँ? हाँ, तुम इधर जा रहे हो? मैं अपने चला लूंगा। चलो ठीक है, ओके। चलो भाई मैं तो इधर जा रहा हूँ। तो यार सब तैयार है जाने के लिए, बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ, उसके बाद हम वहाँ पर एहराम बांधेंगे, इधर ही अपने शहर में मुल्तान में एहराम बांध के जाएंगे, जद्दा लैंड करेंगे, फिर वहाँ पर देखेंगे हम उमरा करने के लिए किस टाइम निकलते हैं। मतलब प्रॉपर वहाँ पर जब पहुँचेंगे फिर आइडिया होगा ना कि किस टाइम को हमारा मतलब सेटिंग बन रही है, जो भी होगी। अभी तो बस सारे रेडी हैं, बस निकलते हैं थोड़ी देर में। तो यार हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम एहराम बांधेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे जद्दा के लिए। उठाओ भाई उठाओ, निकालो यार बैग बहुत ज्यादा है। ये ले, आप काम भी कराओ यार, सारे काम करवा लिया कर यार। यार मुझे पीछे खड़ा रहता है ये, आ गई थी यार, सुनना पड़ता। सारे काम किए, बैग रखवाए भी हमने सामने। भाई अब पता चलेगा, अब पता चलेगा लारी अड्डे पे आ गए भाई अब हम। चलो भाई बहुत ज्यादा रश यार, बहुत 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 ज्यादा। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे रास्ता कोई ना कोई। जोर लगाए। ठीक है पापा जी, दुआ के साथ। यार पापा और हसन नहीं आ पा रहे किसी वजह से हमारे साथ, इस दफा हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ जाएंगे, स्पेशली सिर्फ आप होंगे और हम होंगे। सही है, तुम भी मतलब हम तीन भाई होंगे। ओके ओके ठीक है, अल्लाह। तो यार हमें बोर्डिंग पास मिल चुके हैं, अभी हम आए एहराम बांधने वाले एरिया में, मतलब ये प्रॉपर एरिया है, यहाँ सारे ना सब ने एहराम बांध लिए हैं, अभी हमारी बारी, अभी हम बांधेंगे। हो गया रेडी? हो यहाँ से सही कर लो, यहाँ से ऐसे ऐसे करते हैं ना प्रॉपर। माशाल्लाह। तो यार हमने एहराम बांध लिया अल्हम्दुलिल्लाह, सब भाइयों ने बांध दिया, ये मेरा खराब हो रहा है, सही कर लो। कैसा लग रहा है वैसे? अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्सिंग फील हो रही है इसमें। अच्छा लगने क्या बात है, यानी अच्छे से मतलब इनर जो आपकी फीलिंग्स होती है ना, वो हाँ। बहुत ही कोई अनडिस्क्राइबेबल, क्या कहते हैं, नाकाबिल बयान है। हाँ जी चलें चलें यार। तो यार अभी वेट हो रहा है अनाउंसमेंट का, थोड़ी देर में अनाउंस हो जाएगा, फिर हम निकलेंगे जद्दा के लिए इंशाल्लाह। मेरी है 62D, तुम्हारी 62L। तो यार हम प्लेन में बैठ चुके हैं, अभी तो आपको सीट नहीं मिल रही, अभी ढूंढ रहा है कब से, मुझे तो मिल गया, बाप भाई के साथ में बैठा हूँ स्कूल से। भाई कितने घंटे की फ्लाइट भैया, आपको है आइडिया? 3 घंटा 40 मिनट। पक्का पक्का? हाँ मैं आता जाता रहता हूँ। ठीक है ओके यार, देखते कितना टाइम में पहुँचते हैं। आ जाओ भाई मेरे बगैर तो मैं स्कूल नहीं आता जैसे। भाई मैं वहाँ से उठ के यहाँ पर आता हूँ। आ जाओ बैठो, वहाँ बैग उठा के खुद बैठ रहे हैं। सिट ब्रदर, ठीक है, कंफर्टेबल है आप?
तो यार अभी हम मुल्तान में हैं, यहाँ से हम सीधा जाएंगे ऐसे उड़ के यहाँ पर जिद्दा में, ये देखें सऊदी अरेबिया भाई सीधा। कितना जल्दी टेक ऑफ किया, एक सेकंड में टेक ऑफ किया इसने, अभी जमीन पे आया है ना। हाँ भाई मुझे ऐसे लगा टेक ऑफ कर लिया है, नहीं किया अभी तो, अब टेक ऑफ हुआ, अब टेक ऑफ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, फाइनली हम टेक ऑफ कर चुके हैं यार अल्हम्दुलिल्लाह। यार हम जिद्दा एयरपोर्ट लैंड हो चुके हैं, वहाँ पर ना बस बैग वगैरह भाई कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ कर लिए कुछ रहते, काफ़ी ज़्यादा बैग्स थे, टाइम लग रहा है, वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, मतलब थक हार के दरा के हम बैठ गए भाई, कितने मिलने थे मिल गए, अभी तीन चार मिले हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तीन चार और बैग रहते हैं। तो यार मैंने टैक्सी बुक कर ली है, उस टैक्सी पर हम जाएँगे सीधा अपने होटल की तरफ, फिर फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद फिर जो होगा आगे का आपको दिखाएंगे। बड़ी सस्ती करवा दी है मैंने, ये बता दूं बहुत सस्ती करवाई है, बहुत सस्ती, सिर्फ और सिर्फ 50 रियाल को तीन से बल्कि चार से मल्टीप्लाई कर, इतना हिसाब नहीं आता, बैठे चलें भाई चलें। एक मिनट भाई, तो हम होटल पहुंच चुके हैं, अभी चेक इन करेंगे होटल में, उसके बाद ही हम जो है ना हरम में जाएंगे, उमरा करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं अंदर जाके, ताकि थोड़ा मतलब थकावट तो उतर जाए ना, उसके बाद ही हम हरम की तरफ जाएंगे और उमरे की शहादत हासिल करेंगे। दिस रूम? यस सर। थैंक यू। तो यार हमने होटल चेक इन कर लिया था, रेस्ट भी कर लिया है, फ्रेश हो गए, हमने चाय वगैरह पी ली है, अब जाएंगे हम सीधा जिस काम के लिए हम आए थे यहाँ पर, उमरा करने के लिए, वहाँ पर चलते हैं। तुम सब रेडी हो भाई? जी जी। चलें भैया आप भी रेडी हैं? सब रेडी हैं। हटो मेरे शूज किधर हैं? चप्पल। चले चले चले, बिस्मिल्लाह करें आ जाएं। मेरी चप्पल तुमने? चप्पल मैंने पहनी हुई है। अभी भी गुस्सा में, गुस्से में वहाँ भाई, गुस्सा थूक दे, अभी खाना खा रहा हूँ। चलें भाई चलें। मैं चाहता था यार पैदल चलते थे, आज आज फर्स्ट डे हमारा, पैदल हाँ, नहीं जाते हाँ, आज पता चल जाएगा रास्तों का हाँ, फिर शाम में कल सुबह में पैदल चले जाएंगे तुम और मैं, जो भी सही है सही है। चलो गर्मी भी बहुत है आज यार, बहुत तेज धूप है, तो हम बस पे जा रहे हैं। चलो यहाँ से वैसे करीब ही है, 10 मिनट लगेंगे बस पे, 1 किलोमीटर है, 10 मिनट से भी पहले हाँ जल्दी पहुँच जाए, 5 मिनट में हम पहुँच जाए। ओके ओके ओके। तो यार इस टाइम मैं बयान नहीं कर पा रहा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर है। जैसे जैसे मैं हरम के करीब पहुंच रहा हूँ, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है, वो लम्हा बहुत ही खूबसूरत था जब मैंने पहली दफा काबा शरीफ को देखा। في مكة أبصر النور طفل لم يمر ببال أمه ساعة ولادته أنه سيكون غير أحمد أعظم الرجال في العالم بل في التاريخ بل هو أعظمهم إطلاقا صلى الله عليه وسلم तो अलहमदिल्ला यार हमारे ना
दो स्टेप हो चुके हैं, अभी लास्ट स्टेप रहता है हमारा, यानी कि हमने अपने हेड शेव करना है, ये लास्ट स्टेप होता है ना। तो आप इसके बाद तो कुछ नहीं है ना, सब कुछ पढ़ के आए थे, मतलब सीख के आए थे सारा कुछ, बस ये लास्ट है, हमारा ट्रिंड हो जाएगा अभी सारे बाल। हमने तवाफ भी कर लिया है और हमने जो है ना सफा मरवा के ना चक्कर भी लगा लिए हैं। الذي أهدك أجمل صورة وحباك بحرم في القضاء أجملك تزهر نجوم.